भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आज मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मिलन समारोह में कई ऐसे दिग्गज लोग साथियों आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण किए हैं। ऐसे में कई लोग हैं जो सदस्यता ग्रहण किया, उनका एक चर्चित नाम है पंकज, मनीष पंकज जी। मनीष, इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या कारण था कि आज बीजेपी के अपने सदस्य थे, किस तरह से बीजेपी? मेरा खून पसीना बहा के मैं बीजेपी को सपोर्ट करूंगा। अब मुझे फर्क है, आज बिहार प्रदेश अध्यक्ष श्री चमराज चौधरी जी ने मुझे सदस्यता ग्रहण कराया। क्या कुछ देखे थे, क्या क्योंकि बचपन से बीजेपी पर ये अच्छी पार्टी है, जनता के हित में काम करती है, हमेशा जनता के साथ रहती है। आप किस जिले से आते हैं, वहाँ पे किस तरह की समस्या है, लगता है कि आपको बीजेपी के द्वारा समस्या क्या हो जाएगा? मैं गया जिले से आता हूँ। किस तरह की वहाँ आम जनों की समस्या की बात अगर करें तो किस तरह की समस्या? अभी कोई समस्या नहीं है गया जिले में, सिर्फ कोई समस्या नहीं है। तो आप किस मुद्दे पर काम करेंगे? काम करेंगे इसी मुद्दे पर काम करेंगे। क्या लगता है कि गया जिला पूरी तरह सरकार के एकदम खरी उतरी है, जैसा कि आप बोल रहे हैं अभी नहीं खरी उतरी है? मेरा सवाल ये है कि अभी जो है अभी का तत्काल जो क्या क्या समस्याएं हैं इस सरकार में? भ्रष्टाचार है, क्राइम बढ़ा हुआ है, उसको लेकर ये संघर्ष करेंगे, क्योंकि ये पूर्व से ही संघर्षशील रहे हैं। मानवाधिकार आयोग के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, तो ये शुरू से ही संघर्षशील रहे हैं। तो आप देख रहे हैं अभी देश में और राज्य में किस तरह से ये लाठी डंडे की सरकार देश प्रदेश में चल रही है, उसको लेकर ये हम लोगों के साथ अभी तो आए हैं पार्टी में, आगे ही हम लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है मनीष कुमार पंकज जी के नेतृत्व में गया जिला भारतीय जनता पार्टी का काफी मजबूत हो जाएगी। तो जैसा कि आपने सुना कि गया जिला से जो भी है प्रेम कुमार पिछले कई बार से विधायक है, आज उनके नेतृत्व में जो लोग यहाँ पे आए हैं पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, और इनका लाभ कहना है कि बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद पूरी आस्था और निष्ठा के साथ बीजेपी के लिए खाना रखेंगे। सर, गया में अभी विकास करते हैं, उन पर चर्चा करेंगे और जनता के हित के लिए काम करेंगे।